अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चिकन पाकिट बना रहे। ये देखो, ये हमने चिकन को नमक डाल के उबाल के ऐसा मैच करके लिए। ये हमने कांदा भाजी का हरा पार्ट भी लिए और वाइट पार्ट भी लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें से कलौंजी डालेंगे और ये पुदीना है। हमारे पास कोथमीर ज़्यादा नहीं है, हम पुदीना डाल रहे हैं। देखो नीचे लॉकडाउन है, सब बंद है, कोथमीर इतनी सी है। चिली फ्लेक्स लेंगे आधा टेबल स्पून, चिकन मसाला आधा टेबल स्पून, आधा टी स्पून हल्दी है, आधा टेबल स्पून कुटा भुना जीरा है, आधा टेबल स्पून चाट मसाला है, आधा टी स्पून काली मिर्च है। ये रोज़ा है ना, तो काली मिर्च कम खाने की। ये मैदा है, 200 ग्राम मैदा है। ये अजवान है, ये अजवान है ना, आधा टेबल स्पून है। और 4 टेबल स्पून तेल लिए। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे। देखो हमने मैदा डाल दिए, तेल डालेंगे, नमक डालेंगे, अजवान डाल दिए। अब ये अच्छे से इसको भुनेंगे। एक मुट्ठी में, ये देखो मुट्ठी में मैदा आने तक ऐसा मुट्ठी करेंगे, उसके बाद पानी लेंगे, गुनगुने पानी से भुनेंगे तो खस्ता बनेगा। अब इसको गुनगुने पानी से भुनेंगे। आटा गूंद के हो गया, देखो ऐसा आटा गूंदने का। अब ढक्कन रख के इसको साइड में रखेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरे से टेस्ट अच्छा उभर के आता है, इसे जीरा डालने का। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दिए, अच्छा पर जाने तक अच्छे से भूनेंगे इसको। अभी कांदा भाजी डालेंगे। आपको कोई जो तरकारी पसंद है वो ले लो, हमने कांदा भाजी ली है। और पूरा मसाले डालेंगे, चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो नींबू डालो, हमारे पास चाट मसाला है इसलिए हम चाट मसाला डाल दें। अभी हरी मिर्ची डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालो। अभी चिकन डालेंगे, चिकन को मसाले को अच्छे से भुनेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी हरा धनिया और पुदीना डाल दिए, मसाला तैयार है। अभी हम इसको पंखे के नीचे ठंडा करेंगे। ये देखो आटा हो गया, ये देखो ऐसा आटा बना है। अच्छे से भुनेंगे उसको। हम बना रहे हैं वैसा बना के देखो, अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो बच्चे लोग शौक से खाएंगे, बड़े लोग भी खाएंगे। अभी इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखो अभी बेलेंगे इसको, एक पेड़ा बना दिए और इसको बेलने लिए। देखो पतला और लंबा बेलने का। देखो इसके अंदर अभी है समोसे के अंदर, ये रख रहे चिकन, रख रहे चिकन का मसाला। अभी पानी से घोल बनाएंगे, मैदे का आटा लिए, पानी डाल दिए, अभी इसका घोल बना देंगे चिपकाने के लिए। देखो
देखो घोल बना दिए, अभी इससे चिपका देंगे। देखो ऐसा बाजू बाजू में लगा देंगे। दो बार लपेट दिए। अभी ऐसा काटने का कि साइड में नहीं कटना चाहिए, बीचों बीच कटना चाहिए। अभी ये मैदे का घोल लगा देंगे। देखिए ऐसा बनाने का। और एक बता रहे, ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, अभी इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, लेकिन इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसको निकालेंगे और इसको सर्व करके दिखाएंगे। अभी देखो हमने चिकन रोल बनाए एकदम फर्स्ट क्लास, समोसे की तरह बनाए एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा बनाओ, तुम भी बनाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं किचन को आगे बढ़ाओ, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।